हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज जो है हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी का, जिसपे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का लगभग 10 वीडियो आएगा। तो ये पहला वीडियो है। बहुत सारा रिक्वेस्ट आया कि सर साइकोलॉजी पढ़ाइए, नहीं तो हमने के फेल हो जाएंगे साइकोलॉजी में। हम कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे कि इतना आसान सब्जेक्ट साइकोलॉजी को भी जो है हमें पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग धन्य हैं भगवान, है कि नहीं। चलिए, ये हुआ आसान सब्जेक्ट को जो है 2-3 दिन में सोचेंगे कि पूरा सीरीज हम लोग ख़त्म कर दें, ठीक है। तो आप लोग जो है देखेंगे तो याद क्लासे में करवावे के गारंटी हमार होता है। आप लोग क्लास ऑलरेडी मेरा देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनोविच्छेदी स्मृति लोप का कहते हैं। ये लिखल हिंदी में है तो कितना खराब लग रहा है, लेकिन एकरे हम कहें कि पागलपनी होता है, यानी कि दिमाग में चोट लगने से या किसी रोग के कारण जब आपकी दिमाग का याददाश्त चला जाता है तो उसी को कहते हैं मनोविच्छेदी लोप, है कि नहीं। आप जा रहे हैं, दीवार से टकरा गए, तो दीवार से टकरा गए फिल्मों में नहीं देखते हैं, तो याददाश्त कुछ समय के लिए वो खो जाता है, ओकरे बोलते हैं मनोविच्छेदी लोप, है कि नहीं। कभी कभी ज़्यादा दवाई का सेवन करने से भी मनोविच्छेदी लोप होता है। ये तो आसान था, कितना आसान है कि दिमाग में चोट लग जाने से या किसी रोग के कारण जब दिमाग के याददाश्त कुछ समय के लिए खो जाता है उसी को मनोविच्छेदी लोप कहते हैं। दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट पढ़ावे पड़े, हम कभी सोचे नहीं थे। सेकंड क्वेश्चन है कि मानसिक रोगियों का पूर्णवास कैसे होता है। पूर्णवास मतलब कि जो दिमाग से पागल व्यक्ति है उसको फिर अच्छा कैसे बनाया जाएगा। तो बताइए, ये क्वेश्चन के आंसर हमारा बताए पड़ेगा। कोई पागल व्यक्ति है, उसका पूर्णवास करना है, फिर से अच्छा बनाना है, कैसे बनाएंगे? उसको अच्छा माहौल में रखेंगे, डॉक्टर से दिखाएंगे, उसको अच्छा खाने पीने के लिए देंगे, तो वो अपने ठीक हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन का तो हमारा पढ़ावे पड़ेगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है कि टाइप एच व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन कितना सुने में कि टाइप एच के कौन व्यक्ति होता है, तो टाइप एच के व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है दिमाग से जो तेज होके बाहर सामाजिक सेवा में जो इंटरेस्ट लेता हो उसी को टाइप एच के व्यक्तित्व कहते हैं। आप लोग जो हैं साइकोलॉजी के नोट्स एक बार ले लीजिए मेरा, जिसके लिए 101 रुपये पे करना होता है, उसमें सब बनिया से लिखल है। देखिए, एगो नोट्स के एग्जाम्पल बताते हैं कि टाइप एच में क्या लिखल है। कि टाइप एच व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं, किताबी लैंग्वेज में लिखल है। पहला, ये सामाजिक और बहिर्गामी होते हैं। बहिर्गामी मतलब कि समाज सेवा में इंटरेस्ट रखते हैं और साफ विचार वाले होते हैं। दूसरा, कि ये सभी से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करते हैं, यानी कि कौनों से इनको मिलने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है टाइप एच वाले व्यक्तित्व को। तो ये सब नोट्सवा देखिएगा तो अपने समझ जाइएगा। देखिए, साइकोलॉजी आपको आसान काहे नहीं लगता है। कोनो कोनो में वर्ड जो होता है ना वो आप कभी सुने ही नहीं हैं। जैसे कि मनोविच्छेदीय के ले लेते हैं, मनोविच्छेदी आप सुने ही नहीं हैं, लेकिन पागलपन सुने हैं, है कि नहीं। तो ये वर्ड के कारण आपको हार्ड लगता है। तो आप साइकोलॉजी के नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पे 101 रुपया पेमेंट कीजिए, उसके बाद जो है आप नोट्स ले सकते हैं साइकोलॉजी का, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हमने के पढ़ाइए पे आते हैं। यूस्ट्रेस तथा डिस्ट्रेस में अंतर स्पष्ट कीजिए कि क्या होता है। यूस्ट्रेस तथा डिस्ट्रेस में अंतर जो है बहुत आसान होता है। चलिए, पहला अंतर, यूस्ट्रेस जो है सकारात्मक तनाव है। सकारात्मक तनाव मतलब कि नहीं कहता है सब आदमी कि हम डिप्रेशन में चल गए। एगो तो कोनो वायरल वीडियो हो रहा था डिप्रेशन की कैसे तो बोलूँ रहा था। तो चलिए आपको बताते हैं, यूस्ट्रेस जो है एक प्रकार का जो है सकारात्मक तनाव है। डिस्ट्रेस मीन्स होता है कि एक प्रकार का नकारात्मक तनाव है। यूस्ट्रेस डिस्ट्रेस में थोड़ा हम आपको समझाते हैं कि है का। यूस्ट्रेस मतलब कि कोनो काम के बोझ के कारण, जैसे कि मान के चलिए हमको पढ़ाने का टेंशन है तो वो कहलाएगा यूस्ट्रेस। लेकिन कोनो के चीज़ के लेके जैसे कि टेंशन है
जैसे कि हमारे मान के चलिए प्यार हो गया। अब प्यार के बारे में हम दिन भर सोचा ही थियाँ तो पगला जाएंगे कि नहीं, तो वो डिस्ट्रेस कहलाएगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई के जो टेंशन, जो सकारात्मक चीज़ होता है, वो यूस्ट्रेस कहलाता है। और डिस्ट्रेस जो बेकार वाला टेंशन होता है। अभी प्यार टेंशन लेवे वाला चीज़ है, एगो जाएगा 75 गो आएगा, है कि नहीं, जिंदगी में हिले है। तो स्ट्रेस तथा डिस्ट्रेस में अंतर, स्ट्रेस जो है सकारात्मक तनाव है, डिस्ट्रेस जो है नकारात्मक तनाव है। एगो अब एग्जाम्पल, स्ट्रेस से जो है व्यक्ति को ऊर्जा मिलता है। अब पढ़े वाला हम टेंशन लेंगे तो पढ़ाई करने के लिए ऊर्जा हमें क्या आवश्यकता होगा, लेकिन डिस्ट्रेस में जो है ऊर्जा खपत होता है, ऊर्जा जो है गायब होता है। अब सोचे थी कि हो हमारा कैसे कहले रहे, ये डिस्ट्रेस है, हमने के ऊर्जा खपा रहे हैं बिना मतलब के। नोट्स में 4 गो अंतर लिखल है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मन की अचेतन अवस्था से आप क्या समझते हैं। बड़ी आसान है कि मन की अचेतन अवस्था से आप क्या समझते हैं। मन की अचेतन अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें आपके अंदर इच्छा होती है, विचार भी होती है, लेकिन वो काम करे के मन नहीं करता है। जैसे कोई एग्जाम्पल, आपको भूख लगल है लेकिन खाने का इच्छा नहीं है, वह कहलाएगा मन की अचेतन अवस्था। आपको जो है सेक्स करने का मन कर रहा है लेकिन मिल जाए तो नहीं करेंगे, वो कहलाएगा मन की अचेतन अवस्था। ठीक है, आपको प्यास लगी है लेकिन पानी जो है देख के आपको प्यास खत्म हो गया, वो कहलाएगा मन की अचेतन अवस्था। ये सब तो है मन की अचेतन अवस्था। साइकोलॉजी इतना आसान है, हम नहीं सोचे थे कभी कि इसको हमको पढ़ाना पड़ेगा, साइकोलॉजी को सर। चलिए आइए, सेल्डन के अनुसार जो है व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन करें। सेल्डन के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, चलिए उसको हम बताते हैं। पहला व्यक्तित्व होता है एंडोमार्फिक। अब कहेंगे कि सर एंडोमार्फिक का होता है, एंडोमार्फिक के हिंदी होता है गोल आकृति। नहीं कहते हैं गांव में कि वो लइकवा गोल मटोल है। गोल मटोल यानी कि देहो से जो है बढ़िया है, लंबाई भी ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं गोल मटोल। उसको सेल्डन कहा है एंडोमार्फिक, पहला व्यक्तित्व। दूसरा व्यक्तित्व होता है मेसोमार्फिक। मेसोमार्फिक में क्या होता है कि एकदम शरीर से बॉडी बिल्डर वाला आदमी, मजबूत तगड़ा एकदम लंबा, उसको कहते हैं मेसोमार्फिक। तीसरा सेल्डन कहे एक्टोमार्फिक। एक्टोमार्फिक कहे का मतलब कि दुबला पतला और कमजोर शरीर वाले को कहा गया सेल्डन कहें कि ये जो है एंटोमार्फिक है। समझ गए हैं? अभी सेल्डन 3 गो प्रकार में जो है व्यक्ति को बांट दिया, एगो गोल मटोल, एगो हट्टा कट्टा शरीर वाला, एगो पतला दुबला वाला। चलिए आइए, नेक्स्ट है कि गरीबी तथा वंचन में अंतर स्पष्ट करें। आइए यहू दुनिया के आसान प्रश्न को देखते हैं। गरीबी तथा वंचन में अंतर स्पष्ट करें। वंचन मतलब थोड़ा हम अपन भाषा में बता देते हैं आपको। वंचन कहे के मतलब धन अछते आप गरीब हैं, आ गरीबी तो गरीब हिले है। वंचन मतलब धन अछते गरीब हैं। समझ गए हैं? तो आइए अब इसमें अंतर करते हैं। तो गरीबी तथा वंचन में निम्नलिखित अंतर है। गरीबी में पैसा के कमी होता है, वंचन में पैसा के कमी नहीं होता है। गरीबी में खाने पीने की जो है कमी होती है, वंचन में खाने पीने की कमी नहीं होती है। आपके पास पैसा है लेकिन बीमारी घर में है, जिसे कहे तो वो वंचन कहलाएगा। किताब में बड़ी किताबी परिभाषा लिखल है, देखिए हमार भाषा जो है एकदम देहाती टाइप के है, कभी आपको नहीं समझ में आए तो आपको जो है देखना होगा। ठीक है, नोट्स आपको देखना होगा, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि नोट्स लिया कीजिए। अगर 100 रुपया लगा के 100 नंबर आ जाए तो का दिक्कत है, आ नहीं मन करे तो मत भी लीजिए नोट्स, हमारा का लगल है ओकरा में। चलिए, तो गरीबी के बारे में बताएं, तो गरीबी में पैसा की कमी होती है, वंचन में पैसा की कमी नहीं होती है। गरीबी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन वंचन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति को उसके अनुसार संसाधन नहीं मिल पाता है। गरीबी में कोई व्यक्ति अपन संसाधन के पूर्ति नहीं कर पाता है। जैसे वो एग्जाम्पल, गरीबी किसे कहते हैं,
जैसे हमारा गाड़ी खरीदे के मन है लेकिन गाड़ी नहीं खरीदा रहा है, वो गरीबी कहलाएगा। लेकिन हमारा गाड़ी खरीदे के मन है आ कौन गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो हायाबुसा गाड़ी नहीं मिल रहा है वो कहलाएगा वंचन। यानी छोटा मोटा गाड़ी भी खरीद सकते हैं लेकिन हमारा आवश्यकता दूसर चीज़ के है या वो नहीं मिल रहा है वो वंचन कहलाता है। ये हमार परिभाषाएँ हैं। नेक्स्ट है, चलिए आइए प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं बतावल जाए। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? जब पृथ्वी पे किसी कारणवश कोई समस्या उत्पन्न हो जाता है उसी को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि देखो भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, सुखार आ गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं सर। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन के बारे में क्या कहल जाए। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व को परिभाषित करे से पहले हम तनी आपको जो है किताबी लैंग्वेजेस को बताते हैं कि व्यक्तित्व कहते किसे हैं। व्यक्ति व्यक्तित्व रुचियों का वह आकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का क्या तो रूप प्रदान करता है। तो व्यक्ति के परिभाषित करने के लिए कहें तो व्यक्तित्व किताब में ऐसा बोला कि हमको हम तो समझ में नहीं आया। कहा है कि व्यक्तित्व रुचियों का वह आकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व रूप प्रदान करता है। चलिए अब अपन भाषा में हम आपको लेके आते हैं। व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप को किसी के समक्ष बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता है उसी को हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। अब हम आपके सामने खड़ा हुए और ने टाइल पोटाइल कपड़ा पहनने हैं, फाटल चिटल पहनने हैं, बोले के लूर नहीं है, आप हमको व्यक्तित्व नहीं कहेंगे। लेकिन हम ही व्यक्ति जो हैं एकदम नया नया शर्ट पैंट जूता मोजा चढ़ा के एकदम इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप कहेंगे कि एगो व्यक्ति था। तो व्यक्तित्व उसी को कहते हैं जो आपके सामने आपकी बातों को जो है आपके अपने लैंग्वेज में एक अच्छे रूप को प्रदान करे उसी को व्यक्तित्व कहते हैं सर। किताब नोट्स में लिखल है, एक बार आप पढ़ेंगे मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं? चलिए प्रक्षेपण विधि के गुणों का वर्णन कीजिए। ये लास्ट आज के प्रश्न हैं और यह आसान प्रश्न है। प्रक्षेपण विधि का होता है? प्रक्षेपण विधि में उस विधि को कहते हैं जिसमें आपके अंदर जो विचार दबा हुआ है ना उसी को निकालना ही जो है प्रक्षेपण विधि कहलाता है। ये प्रक्षेपण विधि क्या कहलाता है? तो जो आपके अंदर विचार दबा हुआ है, अब कहेंगे कि कैसन विचार दबल है, हम ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, ये कहिए से हम सोच रहे हैं लेकिन इस पे हम काम नहीं कर रहे हैं और कोनो आ के कह रहा है कि कुछ सोच रहा है तो कि हाँ हम ऑनलाइन पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस पे जब वो काम आपसे करवावे लगता है तो उसी विधि को हम लोग कहते हैं प्रक्षेपण विधि। अब प्रक्षेपण विधि के गुणों का वर्णन करना है तो प्रक्षेपण विधि के पहला गुण कि व्यक्ति के अंदर के दबे हुए गुणों को निकालना। दूसरा, यह अचेतन मन की अध्ययन करता है। अचेतन मन के बारे में प्रक्षेपण विधि से आप पढ़ सकते हैं। तीसरा, कि परीक्षक के अंतर्दर्शन का बहिर्दर्शन पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो परीक्षण करता है प्रक्षेपण विधि से वो आपके अंदर के बातों को भी जान जाएगा कि आपके दिमाग में चल का रहा है। समझ गए? ये था पहला वीडियो साइकोलॉजी के। हम चाहेंगे कि 2-3 दिन में पूरा साइकोलॉजी के पार्ट्स 10 तक जो है हम आपको लेकर आएं और पूरा ख़त्म करें। बस एक रिक्वेस्ट है, जो जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं वहाँ तक इस वीडियो को शेयर किया जाए तब जो है मज़ा आएगा, है कि नहीं? कम से कम इस पे जो है 100 लाइक करवाइए तब न मज़ा आएगा, हम भी पढ़ाने में मज़ा आएगा कि नहीं? कम से कम 100 को तो लेकिन पढ़ाई थे, है कि नहीं? वीडियो देखे हैं, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।